गाइस व्हाट्सअप, तो आज कंपेयर करने वाले हैं R15 और बुलेट को। तो ये R15 है, कुछ इस तरह से इसकी लुक है और ये बुलेट है, ठीक है ना। तो ये बहुत से भाई बोलते हैं कि दोनों सेम सेगमेंट की बाइक हैं, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बढ़िया है। तो भाई ये स्पोर्ट्स बाइक है, वो क्रूज़ बाइक है, दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं आपस में, ठीक है। दोनों अलग सेगमेंट की बाइक हैं, वैसे सेगमेंट इनका प्राइस के अकॉर्डिंग सेम ही है लगभग, लेकिन जिसको भगाने के लिए बाइक चाहिए वो ये ले सकता है, ठीक है। इसकी टॉप स्पीड आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और जिसको टॉर्क चाहिए वो ये ले सकता है, क्रूजिंग वगैरह या जिसको टूरिंग वगैरह करनी है उसके लिए बहुत अच्छी बाइक है। इसके अंदर आपको पावर ज़्यादा देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाकी तो इसके अंदर मैं आपको वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, कंपेरिजन वैसे खड़ी कैसे लगती हैं, क्योंकि मेनली तो लोगों को ये देखना होता है। बाकी इनके अंदर और तो कुछ दिखाने लायक है नहीं, दोनों बिल्कुल अलग बाइक हैं, ठीक है ना। तो आपकी पसंद आप कोई भी लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे बुलेट ज़्यादा पसंद है, किसी को R15 ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो ये जो इनमें एक जो मेजर डिफरेंस है, इसको जो है वो यंग एज के बंदे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, ठीक है ना, और इसको किसी भी एज का पर्सन चला सकता है। इन दोनों में मेन डिफरेंस तो ये, ठीक है। इसको आप यंग ही लड़के चलाएं तो ही अच्छा लगता है, इसको यंग लड़का चलाए, ओल्ड एज का चलाए, मिडिल एज का चलाए, कोई भी चलाए, ठीक है। घर के अंदर आपकी फैमिली में सभी चलाने वाले हैं तो ये लीजिए, ये बाइक इस चीज़ में सबसे अच्छी है, ठीक है। जो टॉर्क की मैं आपको बता रहा हूँ, पावर का मतलब टॉप स्पीड इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन टॉर्क इसके अंदर ज़्यादा का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने तीन बंदे बिठाने हैं जो कि इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से बैठ पाएंगे, उसको बिठा के आपने किसी चढ़ाई पर चढ़ाना है, आपने किसी पहाड़ पर चढ़ाना है, तो ये जो है नहीं चढ़ पाएगी, वो चढ़ जाएगी, ये होता है टॉर्क का फ़ायदा। तो बस इतना सा ही है आज की वीडियो में, इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।